नमस्कार, आप देख रहे हैं मनीष न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नकाबपोश प्रेमी ने महिला पर किया हमला, टॉयलेट क्लीनर फेंका। आगरा में 24 वर्षीय एक महिला पर उसके नकाबपोश प्रेमी ने हमला किया है और उस पर टॉयलेट क्लीनर फेंका है और फेंक दिया है। पुलिस ने गुरुवार को फरार युवक के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है। FIR के मुताबिक आरोपी सौरभ शर्मा पीड़िता से फोन पर बातचीत करता था। वह उसके संपर्क में तब आया जब वह 2018 में BCom का एग्जाम देने गई थी। बाद में पीड़िता ने आरोपी के बात करना बंद कर दिया था। आरोपी पीड़िता का पीछा करता था और उसे पूछते पिछले कुछ दिनों से उसे जान से मारने की धमकी भी देता था। आरोपी ने महिला पर तब हमला किया जब वह स्कूटर से काम करने के लिए जा रही थी। इसके महिला को स्कूटर से गिरा दिया और छेड़खानी करने लगा। उसने फिर एक टॉयलेट क्लीनर की बोतल निकाली और पीड़िता पर फेंक दी। पुलिस के मुताबिक हेलमेट पहने होने के कारण महिला को कोई चोट नहीं आई और आरोपी को टॉयलेट क्लीनर की बोतल निकालते देख यह भाग गया, लेकिन इस दौरान उसके पैर से चोट आ गई। पुलिस आयुक्त विकास कुमार ने कहा है कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर फरार आरोपी के खिलाफ ISP की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज करवाई गई है और गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। सामने आई अथिया और राहुल की शादी की तारीख। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की शादी की रस्में सुनील शेट्टी की आलिशान बंगले में ही की जाएंगे। बता दें कि अखाड़ा में पहाड़ियों के बीच बना सुनील शेट्टी का बंगला किसी रिसोर्ट से कम नहीं है और यह केवल राहुल के अथिया की शादी के लिए ही एकदम परफेक्ट है। रिपोर्ट्स के अनुसार KL राहुल अथिया शेट्टी का घर रणबीर आलिया के बांद्रा स्थित पर है, दो बिल्डिंग से थोड़ा दूर ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि शादी के बाद इनका ग्रैंड रिसेप्शन भी अप्रैल में ही होगा और यह प्राइवेट फंक्शन की तरह से होगा। इसके क्रिकेट जगत और बॉलीवुड और कुछ बिजनेस फ्रेंड्स भी शामिल होने की उम्मीद है, जिसके अलावा रिसेप्शन में सुनील शेट्टी और KL राहुल के परिवार के लोग ही शामिल होंगे। बता दें कि कथित तौर पर अथिया और KL राहुल सोशल मीडिया पर अक्सर एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हुए तस्वीरें शेयर करते हैं। हालांकि और दोनों दुबई में भी एक साल का जश्न मनाने के लिए गए थे और इसी भी तस्वीरें भी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की थी। उनकी फोटोज भी फैंस को काफी पसंद आई थी। इन साउथ एक्ट्रेस की लव अफेयर की चर्चाओं ने खूब बटोरी है सुर्खियां। त्रिशा कृष्णन साउथ की लोकप्रिय अभिनेत्री में से एक त्रिशा कृष्णन और ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के भल्लाल देव यानी कि राणा दुगवंती की अफेयर की चर्चा में काफी समय तक इन्होंने सुर्खियां बटोरी है। कई बार दोनों के ब्रेकअप और फिर दोबारा लिंक अप के खबरें सामने आ रही थी। हालांकि त्रिशा और राणा दुगवंती के भी इस बात को खुद ऑफिशियल नहीं किया था। अभिनेता राणा ने महिमा बजाज से शादी कर ली है। तापसी पन्नू साउथ से लेकर बॉलीवुड तक सफल मुकाम बना चुकी अभिनेत्री तापसी पन्नू एक समय पर अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई थी। बैडमिंटन प्लेयर मथिरस बोल के साथ अभिनेत्री के अफेयर की खबरें बहुत सामने आ रही थी। पहली बार दोनों को मुलाकात एक मैच के दौरान हैदराबाद में हुई थी। हालांकि तापसी पन्नू ने कहा था कि बेअल केवल उनके अच्छे दोस्त हैं। अनुष्का शेट्टी फिल्म बाहुबली से देवसेना का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी और उसकी फिल्म से रातों रात देश भर में दुनिया से पहचान बनाने वाली अभिनेता प्रभास को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही थी। अक्सर दोनों के डेटिंग की खबरें और अफवाहें सामने आ रही थी। फिल्म बाहुबली से पहले भी इस जोड़ी के नई फिल्मों को कहा गया है और फैंस भी इनको काफ़ी पसंद करते हैं। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं।